One card is drawn at random from the pack of well shuffled card. Yes, well shuffled cards of 52 cards total हमारे पास में है. What is the probability that the card is either red or a king? आपको बोल रहा है टोटल 52 कार्ड्स है, वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ऐसा भी बोल सकते हैं हम. उसमें से मुझे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज आइदर रेड और ए किंग, राइट. कार्ड एक ही ड्रॉ करना है, या तो वो रेड कलर हो या फिर वो क्या हो, किंग हो, राइट. तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि टोटल हमारे पास कार्ड्स कितने होते हैं. एज वी ऑल नो, टोटल कार्ड्स या पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड में कितने कार्ड्स होते हैं, 52 होते हैं. तो देयर आर टोटल 52 कार्ड्स, राइट. टोटल कार्ड्स होते हैं 52. अब बात करें उसमें से रेड कलर कितना होता है. हम जानते हैं टोटल कार्ड्स में से दो ही कलर के कार्ड्स होते हैं, या तो रेड या तो ब्लैक. तो अगर 52 कार्ड्स है तो हाफ हाफ हो गया, इक्वल इक्वल हो गया. 26 रेड कलर होता है, 26 ही ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं. तो रेड कलर के कितने कार्ड्स हो गए हमारे पास में, 26 कार्ड्स हो गए, राइट. अब या तो मुझे रेड कलर चाहिए या फिर क्या चाहिए, किंग चाहिए. किंग कितने होते हैं टोटल हमारे पास 52 कार्ड में से. हम जानते हैं देयर आर 4 किंग. स्पेड का होता है, क्लब का होता है, हार्ट का होता है, डायमंड का होता है. तो टोटल कितने किंग्स हो गए आपके पास, 4 हो गए, राइट. आपको वन कार्ड ड्रॉ करना है, उसमें या तो वो रेड होगा या फिर वो किंग होगा, राइट. तो अब बात करें अगर हम फेवरेबल प्रोबेबिलिटी की बात करें स्टूडेंट, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल बाय टोटल. और जब हम सबसे पहले फेवरेबल की बात करेंगे तो फेवरेबल क्या होगा, या तो रेड कलर चाहिए या फिर किंग चाहिए. फेवरेबल केसेस क्या बनने वाले हमारे पास इस केस में, इस क्वेश्चन में फेवरेबल केसेस में बनेगा या तो रेड कलर. रेड कलर मींस 26C1, इनमें से कोई एक कार्ड आ जाए, या फिर मुझे क्या चाहिए, किंग चाहिए. तो देखिए जब हम 26C1 की बात करते हैं, जब हम रेड कलर की बात कर रहे हैं, मींस हम किस किस की बात कर रहे हैं, दो कलर हार्ट और डायमंड की बात कर रहे हैं. मेरी बात समझिए, जब हम 26 रेड कलर्स की बात कर रहे हैं या 26 कार्ड्स की बात कर रहे हैं, जब हम रेड कलर की बात कर रहे हैं तो हम डायमंड और हार्ट दोनों की बात कर रहे हैं. When we are talking about red color, तो it means हम किसकी बात कर रहे हैं, red color में आता है heart और diamond. तो heart और diamond दोनों की बात हम कर रहे हैं. इसका मतलब दो king तो already in 26 में हो गए. किस किस का हो गया, एक तो heart वाला king हो गया और एक diamond वाला king हो गया. तो already two kings तो in 26 में include है. ओके, अब बात करें रिमेनिंग, तो रिमेनिंग जो किंग बचेंगे वो कितने होने चाहिए आपके पास, 2 होने चाहिए, 4 नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो 4 है उसमें से 26 वाले जो कार्ड्स हैं हमारे पास, हार्ट और डायमंड उसमें आ रहे हैं. 13 हार्ट के कार्ड है और 13 डायमंड के कार्ड है, तो उन दोनों के अंदर 1-1 किंग ऑलरेडी आ चुका है. ओके, तो अब मुझे चाहिए फेवरेबल केसेस में, या तो मेरे पास क्या बन जाए, रेड कलर बन जाए तो 26C1 बने, या फिर क्या बन जाए स्टूडेंट्स, आइदर और वाला केस है तो 26C1 या बन जाए आपके पास में 2C1. दैट इज 2 मीन जो रिमेनिंग किंग्स रह रहे हैं उनमें से कोई एक किंग आ जाए. तो जब कभी भी क्वेश्चन आपको आइदर और की बात करेगा, इंडिविजुअल की बात करेगा, आइदर और इट मीन्स आपको क्या करना है, प्लस यूज करना है. और जब कभी भी क्वेश्चन आपको एंड वाला सेंस देगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब क्वेश्चन और की बात करता है तो हम प्लस यूज करते हैं, जब क्वेश्चन एंड वाला सेंस देता है तो हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं, राइट. तो यहां आइदर और वाला केस है तो 26C1 ये वाला बनेगा या फिर 2C1 ये वाला केस बनेगा, राइट. तो अब अगर 26C1 बन गया तो टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास में, 52 है. 52 से कितने कार्ड्स आपको चाहिए, ओनली 1 चाहिए. तो ये बन जाएगा आपका 52C1, या डायरेक्टली 52 लिख सकते हैं. सेम विद द 2C1, 52C1 इसमें भी आ जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या करना है, फेवरेबल बाय टोटल. वॉट इज फेवरेबल, फेवरेबल मेरे पास में रेड कलर है, मुझे या तो रेड कलर चाहिए या फिर किंग चाहिए. तो रेड कलर के कितने कार्ड हो गए, 26 कार्ड हो गए रेड कलर के. तो 26C1 ये बन गया. वन कार्ड ड्रॉन करना है, किसमें से आपको, आउट ऑफ 26 टोटल में से भी वन ले रहा है तो 52C1 बन गया टोटल, और ये बन गया फेवरेबल. सेम आपको रेड कलर चाहिए या फिर किंग चाहिए, तो किंग कितने हो गए होते हैं, टोटल तो 4 होते हैं, लेकिन उन 4 में से 2 ऑलरेडी रेड कलर में आ चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने रह गए आपके पास, किंग 2 रह गए. तो यहाँ ये गलती करने का चांस है, हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स 26C1 के साथ साथ 4C1 लिख देंगे, जो कि बिल्कुल गलत होता है. ओके, तो ये बन जाएगा 2C1 बाय 52C1, और यू कैन राइट इट 26 प्लस 2 बाय 52 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 28 बाय 52, ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपल सी अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का. रीजन ये था कि आपको ये समझ में आए कॉन्सेप्ट, आइदर और वाला जब आता है उसमें भी रेड और किंग आ रहा है, या ब्लैक और किंग होता तब भी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं. ओके स्टूडेंट्स.